नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे बी फार्मेसी की काउंसलिंग के बारे में। एचपीटीयू की वेबसाइट के ऊपर बी फार्मेसी के लिए ऑफलाइन रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है, उसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो में क्या रहता है तो इसमें ऊपर आप देख सकते हैं रिवाइज सेंट्रलाइज्ड ऑफलाइन काउंसलिंग शेड्यूल। जैसे कि आपकी काउंसलिंग पहले होती थी, इस बार आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन कर दी, लेकिन इस बार ये जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग है, मतलब कुछ एक सीटें जो खाली बची है उनको फिलअप करने के लिए एचपीटीयू की तरफ से टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं एचपीटीयू की तरफ से जो ऑल इंडिया कोटा के बच्चे हैं और साथ में जो हिमाचल प्रदेश के जनरल मेन कैटेगरी के जो बच्चे हैं, चाहे आप डिफेंस सब कैटेगरी आपकी डिफेंस है, IRDP BPL है, फ्रीडम फाइटर है, फिजिकली चैलेंज्ड है, स्पोर्ट्स एंड बैकवर्ड एरिया है, अगर ऑल इंडिया कोटा से आप ट्यूशन फी वेवियर की सीट ले रहे हैं, कश्मीरी माइग्रेंट की सीट ले रहे हैं, या फिर सिंगल डॉटर की सीट ले रहे हैं, या फिर आपके पास इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की सीट है, तब भी आप लोग कब जाएंगे, 6/8/2024 को। कहाँ जाएंगे? हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में आपको जाना है। वहां पर आपकी ऑफलाइन में जैसे कि बीटेक वालों की काउंसलिंग चल रही है, उसी तरह से आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। और उसके बाद ओबीसी मेन और इट्स सब कैटेगरी जो है उनकी काउंसलिंग कब है? 7/8/2024 को। चाहे आपके पास कोई भी सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, इसमें आप देख सकते हैं डिफेंस, फ्रीडम फाइटर, फिजिकली चैलेंज, IRDP, स्पोर्ट्स एंड बैकवर्ड एरिया। और उसके बाद SC और SC की सब कैटेगरी जो भी है, ST मेन और ST की जितनी भी सब कैटेगरी है, उन सब की काउंसलिंग कब होगी? 7/8/2024 को। तो आपको अगर जिन लोगों को उस दिन सीट मिल जाती है उस काउंसलिंग में जो ऑफलाइन काउंसलिंग है, तो उनको 9/8/2024 में 4 बजे से पहले वहां पे उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगी, तभी आपकी सीट कंफर्म की जाएगी। और उसके बाद 9/8/2024 को शाम के 5 बजे डिक्लेरेशन हो जाएगी कॉलेज की द्वारा खाली सीटें जितनी भी हैं। और उसके अगले दिन या लगभग आपको 10/8/2024 को जो भी वेकेंट सीट रहेंगी वो शो कर दी जाएंगी। वेकेंट सीट अभी भी खाली रहने के चांसेस हैं, क्योंकि जो लोग जैसे ऑल इंडिया कोटा के हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, बेटी है अनमोल, या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, या ऑल इंडिया कोटा की जितनी भी सीटें खाली रह रही हैं, या जो लोग काउंसलिंग कंडक्ट तो करवाते हैं लेकिन उसके बाद एडमिशन लेने नहीं जाते हैं, तो उन लोगों की सीटें जो खाली बची हैं वो 10 तारीख को आपको डिक्लेयर कर दी जाएंगी। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एक कॉलेज में पहले एडमिशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड काउंसलिंग फिर से अटेंड करते हैं, तो वो फिर दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो उनकी भी जो सीटें मर्ज करके निकलेंगी उन सबको 10 तारीख को आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अब देखते हैं 6 या 7 तारीख को किन किन बच्चों को सीटें मिलती हैं। तो इतनी सी वीडियो थी, आपको ऑफलाइन जाना है और साथ में आपके जो भी डॉक्यूमेंट थे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, ऑल डॉक्यूमेंट आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं ओरिजिनल आपको लेके जाने हैं, और साथ में एक सेट उनका सेल्फ अटेस्टेड करके फोटोस्टेट कॉपी लेके जानी है सेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए। और कुछ भी अपडेट आता है तो HPTU की वेबसाइट के ऊपर आपको देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ज्यादा वीडियो लंबा ना खींचते हुए काउंसलिंग में जरूर अटेंड कर लें। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपको सीट मिल सकती है तो काउंसलिंग में आप एक बार जरूर जाके देख सकते हैं।